Assalamu alaikum everyone, my name is Abdul Sami Khan and welcome to Sami Khan GFX. First of all, really really sorry, I really want to apologize ki main itne din absent raha. Obviously baat hai puri duniya mein jo situation right now hai corona virus ki wajah se, usse har kisi ke schedule jo hai wo disturb hua hai, mera bhi isi tarike se jo bahut sari cheeze thi wo disturb hui hain, bahut se aur kaam jo fil waqt karna bahut zyada zaruri the wo maine complete kiye sare dauraniye mein. But from now on, I'm all available, sare kaam mukammal ek taraf, and from today I will be uploading videos again regularly inshallah. So aaj ki video ke andar hum log Adobe Photoshop seekhna shuru kar rahe hain aur aaj hum log jo hai wo focus karenge poster design ke upar. Poster design ke andar aap log cheeze seekh rahe honge jaise ki lightning, photography ki thodi bahut basics, basic use of lightning, background kaise use karna hai, colors kaise usme enhance karne hain. So ye sari cheeze main inshallah aapko aaj sikhaunga. So without any further delay, let's get started. ओके जी, तो यहाँ पर जो मेरे पास फोल्डर खुला हुआ है उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, कुछ इमेजेस वगैरह. सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यार पोस्टर डिज़ाइन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है. नंबर वन चीज़ जो आपको चाहिए वो चाहिए एक अदद फोटोग्राफ, आपकी भी हो सकती है, आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं. नंबर टू जो चीज़ चाहिए वो आपको चाहिए बैकग्राउंड इमेज जो आप यूज़ करेंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से होगी. मेरा कॉन्सेप्ट जो था वो था रिपेंट, वर्ड जो मेरे माइंड में चल रहा था रिपेंट, वो राइट नाउ की सिचुएशन के हिसाब से कि ओवरऑल जो दुनिया में सिचुएशन चल रही है, हमको हमें डाउन टू अर्थ होना चाहिए और हमें मतलब रिपेंट वाला एक आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए. तो ये मेरे जो माइंड में चल रहा था मैंने उसी हिसाब से फोटोग्राफी करी और उसी हिसाब से इमेजेस निकाल के पोस्टर बनाए. अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास अगर पिक्चर नहीं, पहले तो ये देख लेते हैं कि यार पिक्चर किस तरह की चाहिए. इस तरह के पोस्टर में अमूमन जो इमेजेस यूज़ होती हैं वो सिंगल लाइट या आप कह सकते हैं कि टॉप लाइट होती है, सिंगल लाइट या कट लाइट या ड्रामेटिक फोटोग्राफी भी इसको कहा जाता है. आप मेरी इमेज को अगर गौर करेंगे तो इसमें एक लाइट यूज़ हुई हुई है जो कि 4x के पास से. आप भी अपनी इमेज इसी तरह की ले सकते हैं, जैसे कि आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए होगा या आपका स्मार्टफोन जो कि अच्छी फोटोग्राफी करता हो वो भी चलेगा, उससे भी आप अच्छी तस्वीर ले सकते हैं. और एक सिंगल लाइट, कोई भी LED बल्ब हो सकता है, कोई भी चीज़ जिससे तेज़ लाइट आती हो वो आप यूज़ करते हुए अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है जी. और सेकंड चीज़ आपको चाहिए एक अदद बैकग्राउंड. अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आप अपनी इमेज अगर नहीं यूज़ करना चाहते या सम हाउ फॉर नाउ आपके पास नहीं है इमेज, तो आप क्या करेंगे, और बैकग्राउंड भी कभी वही सोल्यूशन है. हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ. वेबसाइट का नाम है unsplash.com. unsplash के होम पेज पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर सर्च बार है. अब सर्च बार के ऊपर अगर आपके पास इमेज नहीं है अपनी, तो आप यहाँ पर लिखें ड्रामेटिक पोर्ट्रेट, ठीक है. ड्रामेटिक पोर्ट्रेट आप जैसे ही लिखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको कटलाइट फोटोग्राफी बहुत सारी मिल जाएगी जो आप अपने पोस्टर के अंदर यूज़ कर सकते हैं. इसी तरीके से आप यहाँ पर आएँ, लिखें नियॉन, सिर्फ नियॉन लिखें और एंटर करें. जैसी मैंने इमेजेस बैकग्राउंड के लिए निकाली हुई, मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर ही आ गई है. मैंने कंट्रोल क्लिक किया, इसको अलग विंडो में ओपन कर लिया. अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारी नियॉन लाइट्स की इमेजेस, मार्केट्स की, चाइनीज़, जैपनीज़, थाईलैंड, जो उनकी नियॉन लाइट जो पिंक और पर्पल लाइट्स और सियान लाइट्स होती हैं वो वहाँ बहुत ज़्यादा मार्केट्स के अंदर यूज़ होती हैं, तो वो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं. तो ऐसी आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी, ये आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं. ध्यान आपने सिर्फ एक चीज़ का रखना है कि जो आप तस्वीर यूज़ कर रहे हैं अगर वो फ्रंट आई लेवल व्यू से ली हुई तस्वीर है तो बैकग्राउंड उसी तरह का हो, अगर वो बॉटम से ली हुई तस्वीर है तो बैकग्राउंड उसी तरह का हो. आपने पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखना है बैकग्राउंड सेलेक्शन करते वक्त, ठीक है. अच्छा, और सेकंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ वो लाइसेंसिंग का बताता हूँ. इमेजेस या मटेरियल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए या वो फ्री होना चाहिए कमर्शियल यूज़ के लिए. अगर आप यहाँ पर नीचे क्लिक करेंगे डू वट एवर यू वॉन्ट पे, तो यहाँ पर आपके पास लाइसेंस आ जाएगा. अब अनस्प्लैश की भी वही स्पेशलिटी है कि यहाँ पर जो भी फोटोग्राफर्स या आर्टिस्ट इमेजेस अपलोड करते हैं वो दुनिया में कोई भी डाउनलोड कर सकता है और कमर्शियल या नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए उसको इस्तेमाल कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, पोस्टर बनाए, जो चाहो करो आप. बस वो अप्रिशिएट करते हैं कि अगर आप उस आर्टिस्ट का लिंक प्रोफाइल का आप अपने काम के साथ मेंशन कर दो तो ये वो हाईली अप्रिशिएट करते हैं. मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक इमेज है, अगर मैं इसको खोलूँ तो आप यहाँ पे देखिए टॉप पे एक लिंक आ रहा है और इसका नाम आ रहा है स्टीवन रो. आप इन दोनों को जो है वो अपने आर्टवर्क में मेंशन कर दें या डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दें आर्टवर्क अपलोड करते हुए, ठीक है. ये बात होती है यहाँ पे ख़त्म, ठीक है. अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ. ओके जी, तो अब स्टार्ट करते हैं हम असल काम. अब इस इमेज को हम ड्रैग ड्रॉप करके फोटोशॉप के ऊपर खोल लेते हैं. फोटोशॉप के ऊपर आप जैसी इमेज खोलेंगे जैसी इमेज आपके सामने आएगा, अब हमने पहला काम जो करना है वो करना है इसकी क्रॉपिंग.
क्रॉपिंग करने के लिए. अब आप देख सकते हैं कि यार ब्लैक यहाँ पर भी बैकग्राउंड भी ब्लैक हो रहा है, मेरा फेस भी जो है वो ब्लैक हो रहा है, सब्जेक्ट का फेस भी ब्लैक हो रहा है, वो मिक्सिंग हो रही है तो क्रॉपिंग सही से हो नहीं पाएगी. क्रॉपिंग बेसिकली कहते हैं कि आप को सब्जेक्ट को क्रॉप करके अलग अलग से रखना है ताकि आप उसके पीछे कोई सा भी इमेज यूज़ कर सकें एज अ बैकग्राउंड. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसकी सबसे पहले कंट्रोल जे से कॉपी निकाल लेंगे. बार बार मैं एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आप शॉर्टकट जो मैं प्रेस कर रहा हूँ ना, वो जो कीबोर्ड के ऊपर आपके पास आ रहे हैं उस पर आपने बहुत ज़्यादा गौर से देखना है, क्योंकि मैं बहुत जाहिर सी बात है तेज़ी से चीज़ें कर रहा हूँ, तो आपने देखते रहना है कि यार कौन सा बटन प्रेस हो रहा है, उससे क्या यहाँ पर क्या काम हो रहा है. आपने ध्यान से इस चीज़ को देखना है और वैसे ही फिर अपनी प्रैक्टिस आपने करनी है. ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर मैं पी प्रेस करूँगा. सबसे पहले तो उसके लेवल्स बढ़ा लेते हैं. मैंने कंट्रोल जैसे कॉपी निकाली और इसकी लाइट जो है ना वो मैंने इन्हेंस कर दी अभी के लिए, ताकि मुझे नज़र आए और मैं इसकी क्रॉपिंग कर सकूँ. ठीक है, ये परमानेंटली नहीं है, मैंने अभी के लिए करी है. अब मैंने पी दबाया और यहाँ पर एक क्लिक किया और सेकेंड क्लिक यहाँ पर किया और उसको होल्ड करके रखूँगा और आगे पीछे माउस जो है वो मैं मूव करूँगा ना, तो इसका जो हैंडल है ना वो मूव होगा. ठीक है, अब मैंने इसका एक आर्च बना दिया यहाँ पे और यहाँ पे ऑल्टर से इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो वो पॉइंट क्लोज हो जाएगा. ठीक है, ये क्लोज हो गया. अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, दूसरा आर्च बना दिया. ये आपको 5-6 बार जो है ना वो पेन टूल से सेलेक्शन लेके उसको यूज़ करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा कि यार एक्चुअली ये काम कर कैसे रहा है. ये मैंने आपको दो बेसिक चीज़ें बताई हैं, उन पे आप बहुत ध्यान से जो है ना वो पॉइंट को कैसे ख़त्म करना है और आर्च कैसे क्रिएट करना है. अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप उस पे ध्यान दें, आपको इंशाल्लाह 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, अब मैं यहाँ तक की इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ. सिलेक्शन लेने के बहुत सारे तरीके हैं, क्विक सिलेक्शन भी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ यार जिस हद तक हो सके जल्दी से जल्दी और फाइन जितनी हो सके सिलेक्शन हो जाए. ठीक है, बालों के पास से मैं सिलेक्शन अभी नहीं लूँगा, उसकी मैं आपको वजह थोड़ी, मैं रफ ले लिए लेकिन मैं प्रॉपरली बाल जो है ना वो सिलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बाल कभी भी मैनुअली क्रॉप नहीं होते. ये मैं आपको अभी 2 मिनट के अंदर बताता हूँ कि बाल क्रॉप कैसे करना है. अच्छा जी, इसको ऐसे ही आप नीचे तक दूसरी वाली साइड भी कर लेंगे. सिलेक्शन आप पेन टूल से ऐसे ही लेते चले आएंगे, जहाँ जहाँ आपको माउस होल्ड करके ड्रैग करना है वहाँ ड्रैग करेंगे, जहाँ आपका हैंडल सही मूव नहीं हो रहा वहाँ आप एंकर पॉइंट को किल कर देंगे ऑल्टर से प्रेस करके, जो मैंने आपको बताया पीछे. ऐसे ही आप इसकी पूरी नीचे तक जो है वो सिलेक्शन लेंगे. इस एरिया की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ. शॉर्टकट्स पे बटन जो प्रेस हो रहे हैं कीबोर्ड पे उस पर आपने ध्यान रखना है. अब यहाँ मैंने लाके आखिरी पॉइंट पे क्लिक किया और कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया तो उसकी सिलेक्शन इसने ले ली. कंट्रोल एंटर प्रेस करने के बाद मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया तो उसने उसकी सिलेक्शन ले के, मैं आपको दिखाता हूँ, इसने इसकी सिलेक्शन लेके अलग कर दी. अब मैं इस लेयर पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट एन न्यू लेयर के लिए प्रेस करूँगा और एंटर कर दूँगा और ऑल्टर बैक स्पेस से जो कि मैंने वहाँ पे कलर लिया हुआ है, आप यहाँ पर सिंगल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पूरा स्वैच पैनल आ जाएगा, कलर पैनल आ जाएगा. अब यहाँ पर कोई भी कलर सेलेक्ट करें और ऑल्टर बैक स्पेस आप दबाएंगे तो बैकग्राउंड में कलर ऐड हो जाएगा. ठीक है, अब आप देखें कि ये जो इमेज है ना इसका सारा एरिया सेलेक्ट हो गया है अलग से, और बालों वाला एरिया जैसा कि हमने सेलेक्ट नहीं किया था तो नहीं हुआ है. अब मैंने क्या किया कि मैं कंट्रोल एंटर प्रेस कंट्रोल दबाऊंगा और क्लिक करूंगा इसके ऊपर तो ये इसकी सिलेक्शन ले लेगा. ठीक है, थंबनेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसकी सिलेक्शन ले लेगा. अब इस लेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं, डब्ल्यू प्रेस करते हैं जो कि मैजिक वैंड टूल का शॉर्टकट है. ऊपर आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, नए वाले फोटोशॉप के अंदर, पुराने फोटोशॉप के अंदर यहाँ पर रिफाइन एजेस के नाम से टूल आता था, अब आएगा आपके पास सेलेक्ट एंड मास्क का. सेलेक्ट एंड मास्क पे आपने क्लिक करना है. ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये पैनल खुल जाएगा. पैनल की यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग आएंगी, जो मैंने सेटिंग आपके पास यहाँ पर नज़र आ रही है इन सेटिंग से आप टैली कर लें अपना. ठीक है, और यहाँ पे ये पहला छोड़ के आपने दूसरा वाला टूल सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमने ओवरऑल तो सिलेक्शन ले लिए. अब ये रिफाइन एज ब्रश टूल है, इसको हमने सेलेक्ट करना है. ब्रश को छोटा बड़ा करने का जो शॉर्टकट है वो ये हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं. ठीक है, अब आपने
अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर आपने आके ओवरले पे भी क्लिक कर सकते हैं, जो ये प्रीव्यू पैनल है कि भाई आपको प्रीव्यू देखना कैसे। अब ये ओवरले पे आप अगर क्लिक कर देंगे तो आपको ये नज़र आता रहेगा कि यार वो क्या रहा एक्चुअली। ठीक है, अब मैंने ब्रश ले लिया जो मैंने वहाँ से ऊपर से सिलेक्ट किया हुआ, मैं इसको अपने साइज़ के हिसाब से छोटा बड़ा करता रहूँगा। अब यहाँ पर आके आप इस ब्रश को यूज़ करना शुरू करें। ठीक है, ब्रश को आहिस्ता आहिस्ता आप सेलेक्ट करें एरिया को, ये ब्रश लाइट के हिसाब से काम कर रहा होता है, इसीलिए ये बालों की सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेल्प करता है, बाल इससे बड़ी आसानी से सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, ये पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, जो जो आपको इम्परफेक्शन नज़र आ रही हैं वहाँ एक एक बार और क्लिक कर लें। जो भी चीज़ मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ वो आपको तीन बार चार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप वो काम किस तरीके से कर रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा, बस आपने कोशिश करते रहना है आपको समझ में आ जाएगा। ओके प्रेस करें, अब इसने मास्क क्रिएट कर दिया वहाँ पर। ठीक है, ये आ रही है इमेज और ये आ रहा है मास्क उसके ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी इम्परफेक्शन हैं लेकिन उसने काम तकरीबन कर दिया अपने टूल ने। अब आप ब्रश लें, नॉर्मल बी प्रेस करें, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हार्ड का ऑप्शन होता है, सॉफ्ट का ऑप्शन होता है, आपने सॉफ्ट ब्रश ले लें और उसको ब्रश को जितना हो सके छोटा कर दें, और ये जो इम्परफेक्शंस आ रही है ना इनको आप थोड़े थोड़े फासले से मैनुअली जो है ना वो आप इसको प्रेस करना शुरू करें। हाँ, आपने ख्याल रखना है कि जो ब्लैक कलर है ना ये नीचे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऊपर होना चाहिए। छोटा सा एरो आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, एक्स भी इसका शॉर्टकट है इसको स्विच करने का आपस में, ब्लैक ऊपर होना चाहिए और फिर आप वहाँ पे मास्क करते रहें, मास्क सेलेक्ट होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप छोटा सा इसको जूम करके देखेंगे सेलेक्ट क्या हुआ हुआ है, एक ये थंबनेल सेलेक्ट हुआ हुआ है कि मास्क हुआ हुआ है, आपने मास्क पे सेलेक्ट करके इसको क्लिक करते रहना है। ठीक है, आप इसको क्लिक करते रहेंगे, ऊपर ओपेसिटी फुल होनी चाहिए ब्रश की ताकि वो मिटता रहे। मास्क बेसिकली कहते हैं हम एक ऐसी चीज़ को कि यार आपने अगर आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊं तो स्टेंसिल वाला एक तरीके से एक काम करता है, स्टेंसिल कटिंग वाला, यानी कि वो इमेज पीछे अपनी जगह पे मौजूद है और उसके ऊपर हम मास्क लगा रहे हैं और मास्क लगाकर हम टेम्परेरीली चीज़ों को मिटा रहे हैं। अगर मैं शिफ्ट दबा के मास्क पे क्लिक करूँगा ना तो वही एरिया जो हमने मास्क लगाया वो वापस आ जाएगा। ठीक है, मैं वापस सिंगल क्लिक करूँगा तो ये मास्क लग जाएगा। आप काम करते रहेंगे आपको आगे जाके चीज़ें समझ में आती रहेंगी कि यार मास्क क्या होता है, डायरेक्ट काम करने से क्या होता है, मास्क लगा के काम करने से क्या होता है, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगी। फ़िलहाल आप वही तरीका फॉलो करें जैसा कि मैं आपको इसमें करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपने मैनुअली जो है ना ये सारा, जैसे कोई मैनुअली पेंटिंग करते हैं ना आप, मैनुअली ये आपने सारा क्लिकिंग करके जहाँ जहाँ हो सके आपने इम्परफेक्शन इसकी ख़त्म करनी है, उसके बाद आपने ब्रश को थोड़ा सा इनलार्ज करना है और थोड़ा दूर से रख के इसको सॉफ्ट कर लेना है जिस हद तक हो सके। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, मैंने मास्क पे क्लिक किया, एक सिंगल क्लिक किया मास्क पे, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया और एक बार डिलीट दबाया, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया और कंट्रोल ऑल्टर बैक स्पेस दोबारा दबाया। ठीक है, तो ये और डिलीट कर देगा बाहर वाला एरिया। अच्छा जी, तकरीबन रफ सेलेक्शन जो है वो हमारी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब इस फाइल को करते हैं सेव इमेज के नाम से, क्रॉप इमेज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके जी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, उसके बाद एक डिजिटल पोस्टर का वर्टिकल साइज ले लेंगे। डिजिटल जो स्टैंडर्ड साइज है वो है 1080p जो कहलाता है, हम विड्थ रखते हैं इसकी 1080, हाइट रखते हैं इसकी 1920, रेजोल्यूशन 72 ही है, और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास साइज आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा जी, नंबर टू हमने काम ये करना है कि हमने यहाँ पे लाके इमेजेस रखनी है जो हम समझते हैं कि यार हमें यूज करनी है एज बैकग्राउंड। इमेज लाके मैंने यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करी। सबसे पहली इमेज आप खोल लें और इसको रखते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। और एक इमेज रखता हूँ मैं यहाँ पे, मास्क पे क्लिक करता हूँ इस पर और ब्रश टूल लूँगा, उसको इनलार्ज करूँगा और यहाँ से फ़िलहाल थोड़ा सा मिटा दूँगा, ठीक है। अब सिंस वो कलर एक जैसे है ना, तो आप देखेंगे बड़े आराम से ना वो मिक्स हो रही है। ओके जी, ये रफली जो है ना वो मैंने बैकग्राउंड रख लिया है, ठीक है। क्विकली थोड़ा सा इनलार्ज कर लेता हूँ मैं इसको। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, जो कि मैंने इमेज अपनी क्रॉप करी थी, सबसे ऊपर वाली लेयर जो कि हमने क्रॉप कर ली थी उस पर कंट्रोल करके अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इमेज सॉरी मास्क के ऊपर क्लिक करूँगा और सबसे आखिरी जो कि ओरिजिनल लेयर पड़ी हुई है ना, इन सबको हाइड कर दें। ओरिजिनल जो है उस पर कंट्रोल, उस पर क्लिक करके कंट्रोल जे प्रेस कर दूँगा। तो राइट क्लिक करते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं और ड्रैग करते हैं और यहाँ ला के ड्रॉप कर देते हैं। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, उसके बाद इसको छोटा करेंगे जितना हमें लगता है होना चाहिए। मुझे लगता है कि यार इतना सही है, थोड़ा सा रोटेट कर लूँ ताकि दोनों शोल्डर एक पोजीशन में आ जाए और इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा बैकग्राउंड रीएडजस्ट कर लेते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा ये लाइट, इसकी हेडलाइट नज़र आनी चाहिए और ज़रा सा कंट्रोल जीरो जैसी है। ऐसे गलती से कभी इनलार्ज हो जाए तो आप कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करेंगे तो वो फिट टू फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इस वाली इमेज को मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ, ये लाइट थोड़ी सी यहाँ से आ जाए और ये वाला एरिया थोड़ा सा नज़र आ जाए। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे मैंने मास्क लगा के इसको मिटाया था बी से ब्रश लेके, अगर ब्लैक कलर ऊपर है आप बी से ब्रश लेके क्लिक करेंगे मास्क के ऊपर तो इमेज मिटेगा, अगर आप ई प्रेस करेंगे तो इमेज वापस आएगा, जो मिटाया हुआ है आपने वो वापस आएगा, ठीक है। मास्क इस तरह से काम करता है। अच्छा, अभी फ़िलहाल मुझे सही लग रहा है, बस ये थोड़ा सा ब्लैक एरिया यहाँ पर आ रहा है, वो मैं देख रहा हूँ कि वो किसी तरीके से जो है वो ब्लैक ना रहे, लेकिन वो पर्सपेक्टिव भी ख़राब हो जाए। चले इसको ब्लैक ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा, और दैट इज़ इट। और इस पे भी मास्क लगा देते हैं ताकि वो इमेज पीछे से ना नज़र आए, ये नज़र आ रही है। आपको ये प्ले करके चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है जी। ये हो गया आधा काम, अब हम लेते हैं कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसकी सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। इसकी सिलेक्शन लेके आप कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे, एंटर। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं हल्की हल्की ना लाइट इस पर डालने की कोशिश करूँगा। यहाँ से रेड ले लेते हैं क्योंकि रेड लाइट आ रही है। ब्रश लेंगे, ब्रश लेके आप इस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि टॉप पे ज़्यादातर रेड लाइट आ रही है और नीचे जो है वो सियान टाइप जो है ना वो लाइट आ रही है। यहाँ पर हम सियान टाइप लाइट डाल देंगे, ठीक है। कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म करी, यहाँ पर आए, हमने इसको कलर पर रख दिया, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ी सी लाइट हम यहाँ पर और इन्हेंस करेंगे और एक और न्यू लेयर लेते हैं, यहाँ पर लाइट थोड़ी सी हम और डालेंगे, किसी और लेयर स्टाइल पे रखेंगे। अब लेयर स्टाइल चेंज करने के लिए, लेयर स्टाइल इस एरिया को कहते हैं जो ऊपर से आपको सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक तो तरीका ये कि आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आके आप हावर करते रहेंगे माउस, तो आपके पास वो चेंज होते रहेंगे ऑप्शन, ठीक है। ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है। दूसरा, शिफ्ट से आप प्लस माइनस करेंगे तो भी चेंज होगा। सेंट्रल पे क्लिक करें, शिफ्ट से प्लस माइनस करते रहेंगे या तो वो लेयर स्टाइल्स चेंज होते रहेंगे। ये भी सही लग रहा है मुझे। अच्छा जी, अब इसके बाद जो सेकंड काम है वो हमारे पास है इमेज के कलर को चेंज करना। अब यहाँ पर मैं आऊँगा, छोटे से एरो पे क्लिक करूँगा, ह्यू सेचुरेशन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ह्यू सेचुरेशन की लेयर आ जाएगी। ऑल्टर प्रेस करके रखूँगा और इस लेयर को इसके अंदर मास्क कर दूँगा। मास्क मैंने कर दिया,
अब शर्ट के अंदर जो कलर आ रहा है वो ब्लू का शेड आ रहा है, तो मैं यहाँ से आऊँगा, ब्लू सेलेक्ट करता हूँ, ब्लू का कलर चेंज करते हैं, कुछ और करते हैं, लाइक मे बी सियान या ये सही लग रहा है, और थोड़ी सी सैचुरेशन और इंक्रीज कर देते हैं। आप अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से भी रख सकते हैं कलर्स, और थोड़ा बहुत आपको माहौल का भी अंदाज़ा करना है, सिंस वो सियान और रेड लाइट है तो वो वैसी ही लाइट जो है वो कपड़ों पर भी आएगी, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। एक और ह्यू सैचुरेशन की लेयर लेते हैं, उसको भी इसी के ऊपर मास्क कर देते हैं ऑल्टर दबा के। अच्छा, अब मैं यहाँ से लेता हूँ कलर दोबारा ब्लू और इसको चेंज करता हूँ, एक सेकेंड, बल्कि यहाँ से मास्टर लेते हैं और इसको चेंज करते हैं पर्पल की तरफ। अब मैं इस लेयर के मास्क पे क्लिक करूँगा और ऑल्टर बैक स्पेस दबाऊँगा तो मिट जाएगी सारी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा ना इसको इरेजर लेता हूँ और थोड़ा थोड़ा मिटा के देखता हूँ कि अगर मैं मल्टी कलर करूँ तो कैसा लग रहा है, मे भी सही लगे मे भी ना लगे। फिर इस अब आपने ना इन चीज़ों को ना प्ले करना है, ये बिल्कुल आप इसको समझेंगे कि आप कोई आर्टवर्क बना रहे हैं, कोई पेंटिंग बना रहे हैं, और खेल के भी देखते रहें, टेक्निकल डिटेल्स को भी साथ में मद्देनज़र रखना है और प्ले भी करना है उसके साथ। अब आप इस ह्यू सैचुरेशन की लेयर पर क्लिक करें और सेम मैं इसके भी जो है ना लेयर स्टाइल चेंज करके देखूँगा कि यार डिफरेंट लेयर स्टाइल से क्या रिजल्ट निकल रहा है। मिसाल के तौर पर मुझे जो सही लग रहा है ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेते हैं। लेट्स सी एंड में देखेंगे कि सही लगता है कि नहीं लगता, अगर नहीं लगेगा तो फिर हटा देंगे हम। ठीक है, ये हो गया एक काम। अब हम दोबारा इसकी कंट्रोल क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू लेयर लेंगे, एंटर करेंगे, एम दबाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पर आ जाएंगे, हमें इसकी एक आउटलाइन चाहिए। यहाँ पे आप डिफरेंट जो है ना वो पिक्सल सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि कितनी थिक आ रही है कितनी थिन आ रही है, 10 करके देखते हैं, इसको एंटर कर देते हैं। इसको एंटर कर दिया मैंने, अब मेरे पास एक आउटलाइन आ गई। ये आउटलाइन आई है ये बहुत हार्श है, यानी कि बहुत फाइन आ रही है ना। मैं फिल्टर में जाऊँगा, ब्लर में जाऊँगा, गॉशियन ब्लर पर क्लिक करूँगा और इसको ब्लर कर दूँगा, थोड़ा सा ब्लर कर दिया मैंने, और ब्लर करके इसकी सिलेक्शन ली और कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया और बाहर वाला एरिया डिलीट कर दिया। अब ब्लर कर दिया मैंने, अब मैं इसको रखता हूँ और दोबारा से इसकी लेयर स्टाइल जो है ना वो चेंज करते हैं। ये वाला एरिया से हार्श हो रहा है, ये मिटा दें आप। ठीक है, दोबारा इसको करें और लेयर स्टाइल चेंज करते रहें, देखते रहें कि यार क्या रिजल्ट आ रहा है, किससे इससे क्या आ रहा है। पर्पल ऊपर बालों के पास आ रहा है वो अच्छा लग रहा है, इधर भी आ रहा है थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, सही है। ठीक है, इसी की एक और कॉपी निकालें, फिर कंट्रोल यू प्रेस करें, इस पर डायरेक्ट कर देते हैं कंट्रोल यू प्रेस, इससे ह्यू सैचुरेशन आ गई, वहाँ से मास्क ले रहे थे हम, यहाँ कंट्रोल यू, वो सेम वही काम है, अब ये डायरेक्ट लेयर के ऊपर लग रहा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे इतने ज़्यादा लेयर्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस पर डायरेक्ट लगा रहा हूँ। अच्छा जी, वो वाला एरिया थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये और ये, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, अब ये जो सारी लेयर चल रही है ये सब्जेक्ट की लेयर चल रही है, इसकी लेयर चल रही है, इसी के ऊपर मैंने एक और मास्क लिया यू सैचुरेशन का ही। अब मैं एरिया जो सेलेक्ट करूँगा वो करूँगा येलो, जो चेहरे पर आ रहा है, इसको हम करेंगे थोड़ा सा रेडिश स्किन टोन को, रेड का इजाफा हो गया इसमें, अब सॉरी येलो का इजाफा हो गया, अब हम रेड सेलेक्ट करेंगे और रेड को भी हम जो है वो इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है जी, अब हम आते हैं बैकग्राउंड की तरफ, इन दोनों को कंट्रोल जी से ग्रुप करते हैं, कंट्रोल जे से इसकी कॉपी निकालते हैं, कंट्रोल ई से कॉपी निकालने के बाद उसको मर्ज कर देते हैं।
मर्ज करने के बाद हम इसको जो है ना, अब आप अगर मैं इसको कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, आप देखेंगे ये एरिया से बाहर हो रहा है कितना बड़ा है, ठीक है। अब इसको मैं क्रॉप करने के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए प्रेस करूँगा और अब दोबारा कंट्रोल जे प्रेस करूँगा और नीचे वाली लेयर डिलीट कर दूँगा। तो अब दोबारा अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म से सेलेक्ट करूँगा ना, तो अब आप देखें अब ये बिल्कुल एरिया के अंदर आया। अब एक्स्ट्रा किसी जगह पे इफेक्ट नहीं लगेगा जो भी मैं लगाऊंगा। अब मैं जाऊँगा फिल्टर के अंदर, ब्लर में जाऊँगा, गॉशियन ब्लर। अब मैंने क्या करना है, जो दूर वाला एरिया है वो अमूमी तौर पर ब्लर होता है जब आप तस्वीर खींचते हो, तो मैं थोड़ा सा उसको ब्लर कर दूँगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा फेक लगे वो, आपने उसको बहुत ही सटल सा जो है ना वो ब्लर करना है। ये प्रीव्यू का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखाएगा वो। ओके कर दें इसको, और साइड से जो कि करीब है ना, जो कि कैमरे के करीब वाला एरिया है वो ये वाला है, उसको आप मिटाएं, ठीक है। गाड़ी नज़र आनी चाहिए मिटा दें, या ये करीब है मिटा दें। वो दुकान दूर है ना, उसको आप ब्लर ही रहने दें। ये घर दूर है, वो वाला दूर है, उसको आप ब्लर ही रहने दें। ये दूर है, उसको आप ब्लर रहने दें। बाकी यहाँ से भी थोड़े थोड़े एरियाज़ को, ये कान के पास जो एरिया आ रहा है ब्लर रहने दें। ये करीब है तो इसको आप मिटा दें, यानी ये शार्प होना चाहिए, ठीक है जी। ये भी थोड़ा सा अभी थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया आधा काम। अब ये यहाँ से वाइट एरियाज नज़र आ रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन हम ले लेते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर ये वाला कलर सेलेक्ट करते हैं, ब्रश लेते हैं और ये मिटा देते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया आधा काम। अब इन तमाम लेयर्स को आप सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी से ग्रुप करें, फिर कंट्रोल जे से कॉपी निकालें, कंट्रोल ई करें, फिर कंट्रोल ए करें, फिर कंट्रोल जे करें, जो कि जिसकी वजह मैंने आपको बताई। अगर आप इसी नीचे वाली लेयर पे काम करना शुरू कर देंगे तो बाहर का एरिया भी सेलेक्ट हुआ हुआ होगा, तो आपकी फ़ाइल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी। अब देखें, ये सिर्फ फ्रेम के अंदर जो कैनवस के ऊपर जो चीज़ें आ रही हैं वही सेलेक्टेड हैं। अब क्या करेंगे हम, अब इसके ऊपर हम कुछ इफ़ेक्ट्स लगाएंगे। यहाँ पर आके हमारे पास शार्प करने के लिए कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं। फिल्टर गैलरी में अगर आप आएंगे शार्पन के अंदर अनशार्प मास्क के ऊपर, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे। तीन ऑप्शंस हैं इसमें, अमाउंट है, रेडियस है, थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड आप कर दें जीरो, ये सॉफ्ट करने के लिए होता है। रेडियस यानी कि आपको रेडियस कितना रखना है, अमाउंट यानी कि क्वांटिटी शार्प करने की कितनी रखनी है। मैंने बहुत ज़्यादा शार्प करना है उसको पोस्टर स्टाइल में। रेडियस में जितना ज़्यादा बढ़ाता जाऊँगा ना, वो उतने पिक्सल ज़्यादा सेलेक्ट करता जाएगा। यानी कम रेडियस रखूँगा कम पिक्सल को शार्प करेगा, ज़्यादा रेडियस वो चार छः छः आठ आठ दस दस पिक्सल को एक साथ शार्प करेगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे बारीक नॉइजी जो इफेक्ट होता है वो मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं रेडियस कम रखूँगा। अमाउंट जब तक वो सही लग रहा है तब तक आप करते रहें, ठीक है जी। इसको मैं ओके करता हूँ यहाँ पर। ये मेरे पास एक शार्प सा जो है ना वो रिज़ल्ट ऑलरेडी आ गया अच्छा खासा। अच्छा, अब इसको मैं कंट्रोल ए दोबारा करूँगा, फिर कंट्रोल जे करूँगा, क्योंकि उस लेयर को मैंने पीछे रखना है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए इस लेयर पे तो मैं पुरानी लेयर पे वापस आ सकूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पे हाई पास पे, अदर के अंदर आप आएंगे यहाँ पर, हाई पास का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। हाई पास इस तरह का इफेक्ट है, ठीक है। ये पूरा उसको नेगेटिव पे लेके जाके हाईलाइट्स को इन्हेंस करके दिखाता है। इसका रेडियस मैं यही इतना ही रख रहा हूँ, ओके करूँगा। और यहाँ पर ओवरले में आके भी आप ट्राई कर सकते हैं, आप सॉफ्ट लाइट भी ट्राई कर सकते हैं, ओवरले भी, जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिल रहा हो ना वो आप इफेक्ट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। हार्ड लाइट पे किया मैंने और इसकी ओपेसिटी कर दी थोड़ी सी कम। अच्छा जी, अब देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट है। अब थोड़ा सा मुझे जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ये हो रहा है कि यार जो सब्जेक्ट के अराउंड जो एरिया है ना वो कटआउट वाली फील आ रही है। मुझे कटआउट वाली फील नहीं चाहिए, तो उसका सोल्यूशन मेरे पास क्या है। इन तमाम लेयर्स को मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है, और मैं वापस यहाँ पर जाता हूँ और सब्जेक्ट के पीछे मैं रखता हूँ कलर वाइट, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पे हमने जितना काम कर लिया उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि यार थोड़ी सी अभी भी जो है ना बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जो मेरे पास प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो मेरी इमेज है वो एक कटआउट की फॉर्म में लग रही है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं इस इमेज वाले ग्रुप को बंद करता हूँ, इसके ऊपर लगाता हूँ एक मास्क,
या नीचे से क्लिक करके, ठीक है। अब मैं इसको वापस खोलता हूँ, माउस पे मेरा क्लिक हुआ हुआ है, मैंने कंट्रोल प्रेस किया और इस इमेज के ऊपर क्लिक किया तो उसकी सिलेक्शन आ गई। अब मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट F6 तो मेरे पास फेदर आ जाएगा, ठीक है जी। फेदर को मैं 2 करूँ, 2.5 भी कर सकता हूँ, 2.5 करके देखते हैं, एंटर करते हैं और कंट्रोल ऑल्टर आई प्रेस करते हैं ताकि वो इन्वर्ट हो जाए, जो सिलेक्शन है उसकी का उल्टा हो जाए, यानी कि बाहर का एरिया सेलेक्ट हो जाए। बाहर का एरिया सेलेक्ट होगा तो ये आउटलाइन सारी सेलेक्ट हो जाएंगी सब्जेक्ट की। अब मैं ऑल्टर, वही वाला रूल है कि यहाँ पे ब्लैक ऊपर होना चाहिए, ऑल्टर प्रेस करके रखा और बैक स्पेस पे क्लिक किया। अब देखते हैं कितना फेदर लगा है, थोड़ा सा वो नरम यानी कि सॉफ्ट हो गया होगा। अब मैं शिफ्ट दबाता हूँ, उस मास्क को मिटाता हूँ, अब देखें और अब देखें थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया वो एरिया, ठीक है। दोबारा सिलेक्शन लेता हूँ उसकी, फिर से प्रेस करता हूँ, दोबारा एक और एंटर, वही कंट्रोल ऑल्टर आई करके दोबारा प्रेस करता हूँ, ठीक है जी। ये मैं इसका थोड़ा सा फेदर बढ़ा के देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है, बढ़ा के थोड़ा और ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है, मुझे ये भी सही लग रहा है। अच्छा, दूसरा काम हम इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ये करेंगे कि हम यहाँ पर लगाते हैं एक लेयर लेवल्स की, इसको करते हैं फुल इन्हेंस। जैसे हमने क्रॉप करते हुए पिक्चर को इन्हेंस किया था ना, हम इसको फुल इन्हेंस करते हैं, इसकी लाइट यानी कि एक्सपोजर भी बढ़ा सकते हैं हम, लेवल से भी बढ़ा सकते हैं, एक्सपोजर से भी बढ़ा सकते हैं और इसको मास्क को पूरे को मिटा देते हैं। अब हम सेलेक्ट करेंगे, दोबारा से सिलेक्शन लेंगे, ई प्रेस करेंगे और थोड़ा थोड़ा जो है ना वो आउटर एरिया से लाइट लाएंगे वापस, ठीक है। 3rd काम हम ये करेंगे कि हम बैकग्राउंड के ऊपर एक और लेवल्स की लेयर लेंगे और इसके लेवल्स कर देंगे डार्क, इसके लेवल्स डार्क कर देंगे, इसके ऊपर भी सेम मिटाएंगे हम इसको और फिर दोबारा से हम और उसके ऊपर एक और जो मैंने लाइट की लेयर रखी थी अब मैं उसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको डार्कर टोन पे लेके जाता हूँ क्योंकि काम करते हुए मुझे एहसास हुआ कि यार मेरी जो पिक्चर है ना वो बैकलिट बेस्ड नहीं है। अगर मैंने पीछे एक लाइट रखी, यानी कि बैकलिट भी एक रखी हुई होती तो फिर ये जो लाइट वाला रूल है ना ये लगता। राइट नाउ जो मेरा बैकग्राउंड है ओरिजिनल इमेज का वो डार्क है, तो मैं डार्क पे जाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी स्किल्स जो है वो काम करते हुए यूज़ कर रहे होते हैं, हर बार आपको कोई नई चीज़ मिलती है आप नई चीज़ यूज़ करते हैं। फ्रंट से मैं कोशिश करूंगा कि यार लाइट ज़्यादा से ज़्यादा है और जो सर के पीछे वाला एरिया है वहाँ पर डार्क से डार्क हो, ठीक है। चेहरा अगर यहाँ से मेरा थोड़ा सा ख़राब हो रहा है तो मैं इसको मिटा दूंगा इस वाले एरिया को। कोई भी चीज़ ख़राब ना हो, मिक्सिंग जो है वो सही हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ओवरऑल जब हम इस पर अभी एक इफ़ेक्ट लगाएंगे तो वो वैसे ही दब जाएंगी सारी चीज़ें। अब इसमें और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स ट्राई हो सकते हैं, जैसे कि आप फेस के ऊपर आके और बहुत सारे इफ़ेक्ट ट्राई कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इसको बंद करता हूँ। अब इसको कंट्रोल जे से मैं ग्रुप करता हूँ, कंट्रोल ई से मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, फिर कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, पीछे वाली लेयर को मैं डिलीट कर दूँगा, इस लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा। अब आते हैं फिल्टर में और फिल्टर में आके हम शार्पिन में जाते हैं, अनशार्प मास्क पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अनशार्प मास्क पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे शार्पनेस की सारी सेटिंग्स दे रहा है। थ्रेशोल्ड को 0 रखें, रेडियस को भी कम से कम रखें ताकि बारीक नॉइज़ वाला जो इफ़ेक्ट है वो आ सके, और अमाउंट को यानी कि शार्पनेस के अमाउंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा रखें, ठीक है। प्रीव्यू से एक बार हटा के देख लेते हैं, ये मेरे हिसाब से ठीक है। अब दोबारा कंट्रोल है, दोबारा कंट्रोल जो फिल्टर में आएंगे, अदर में आएंगे, हाई पास, मेरे ख्याल से हाई पास की सेटिंग सही है, इसको ओके करें। नॉर्मल में आया, हार्ड लाइट या ओवरले या सॉफ्ट लाइट में से किसी एक पे आप रख दें जो आपको अच्छा लग रहा हो, मुझे ये सही लग रहा है आप इस पर रख दें, ठीक है। इसकी ओपेसिटी कम करते हैं थोड़ी सी, और एक और मैंने इसको ओवरले करा दिया, इसको मास्क किया, पूरे पे मास्क लगाया और आँखों वाली साइड पर थोड़ा सा मैंने ये उठा दिया।
बालों को भी उठा दिया और इसको मैंने इस वाले की ओपेसिटी थोड़ी और बढ़ा दी। ओके जी, बालों की ओपेसिटी मैंने थोड़ी सी और बढ़ा दी, इस एरिया की बढ़ा दी। अब मैं इन तीनों को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी से ग्रुप करता हूँ, कंट्रोल जी से फिर कॉपी निकालता हूँ, फिर कंट्रोल ए, फिर कंट्रोल जी। अब इस वाले पे मैं क्या करूँगा, मैं इधर आता हूँ फिल्टर गैलरी के अंदर, फिल्टर गैलरी के अंदर यहाँ कटआउट आ रहा है, ठीक है। कटआउट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये वैसे ही इसमें इतनी लाइट है तो वो वैसे ही ऑटोमेटिकली इतना ज़बरदस्त आपको इफेक्ट देने लगेगा। आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, मुझे ज़ाती तौर पर ये वाला इफेक्ट अभी नहीं चाहिए, मैं बस इसको आपको दिखाने के लिए और एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये वेक्टर पेंटिंग का स्टाइल है, ठीक है। इतना आपने रखना है कि आपकी जो आंखों की भी डिटेल है वो भी नज़र आए और वो बड़े पिक्सेल्स में इसको क्रिएट करें। अब इसके लिए जो है ना, वो आपको यहाँ पे तीनों सेटिंग्स को चेक करना होगा, ठीक है। छोटे छोटे पिक्सेल अगर वो, यानी कि वेक्टर पेंटिंग बनाते वक्त अगर वो छोटे छोटे शेप्स बनाएगा ना तो वो बुरे लगेंगे, थोड़े बड़े शेप्स होंगे ना तो वो रियलिस्टिक लगते हैं। कॉमिक स्टाइल भी आप कह सकते हैं क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। अगर आप अमेरिकन कॉमिक बुक्स देखेंगे तो उसमें कुछ इस तरह ही जो है ना वो पेंटिंग्स क्रिएट करी जाती है, ठीक है जी। अब मैं इस, ये मैंने इफेक्ट लगा दिया, ओके कर दिया। अब मैं इस इफेक्ट को वही शिफ्ट प्लस और माइनस से मैं डिफरेंट स्टाइल इसको, मतलब लेयर स्टाइल चेंज करके देखता हूँ कि क्या इफेक्ट निकलता है। अब ये देखिए, अब ये कितना ज़बरदस्त निकला है, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है मुझे। और भी चेक करते हैं कि क्या है। डिफरेंट बहुत सारे स्टाइल्स हैं, आप इसे प्ले करके देखते रहें, सीखते रहें कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह के स्टाइल क्रिएट हो रहे हैं। मुझे ऐसा चाहिए जिसमें कटआउट वाली कॉमिक भी फील आए लेकिन थोड़ा ओरिजिनल जो नॉइज आ रही है ना वो भी आए, दोनों आए, तो वो मुझे ये लग रहा है। आई थिंक ये सही है, मेरे ख्याल से ये सही है, ठीक है जी। अब क्योंकि ये लाइट इन मोड पे पड़ा हुआ है तो इन दोनों को ग्रुप कर लें। अब कंट्रोल जे करें, कंट्रोल ए, फिर वही कॉपी निकालनी है, स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। अब क्या करता हूँ, मेरे पास एक प्लगइन इंस्टॉल है, इस प्लगइन का नाम है एलियन स्किन एक्सपोजर। ये प्लगइन आप अगर इंटरनेट पर ढूंढेंगे ना तो आपको, ये कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगी, थोड़ी मुश्किल से मिलेगी। अच्छा, इस प्लगइन के बारे में, ये बहुत ज़्यादा पोस्टर मेकिंग के अंदर यूज़ होती है, प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स और इलस्ट्रेटर्स जितने भी हैं वो इसको यूज़ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल प्लगइन है ये। इसमें रेडीमेड बहुत सारे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी इसके जो सारे ऑप्शन हैं। लेकिन आप ढूंढ लें, अल्लाह करे कि मिल जाए, ऐसी बात है, ढूंढना भी एक थोड़ा सा रिसर्च वाला काम है। लेकिन ये मुझसे काइंडली इसका लिंक ना मांगिएगा कि यार ये कहाँ पर अवेलेबल है, कैसे, मैं ये थोड़ा सा जो है ना वो देना इस तरीके से ढूंढ के, थोड़ा सा मुश्किल काम है, ये आप खुद ही ढूंढें, मिल जाएगी। इतना मैं आपको बता देता हूँ कि ये है अवेलेबल इंटरनेट के ऊपर और आपको मिल जाएगी। इसको ढूंढें और YouTube पर सर्च करें कि ये कैसे इंस्टॉल होती है फोटोशॉप के अंदर, इसको आप इंस्टॉल करें एज ए प्लगइन। और इसके अलावा भी बहुत सारी प्लगइन हैं जो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन फिलहाल ये काम किए तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप इंस्टॉल करें और ये आपके बहुत काम आएगी आगे, ठीक है। तो चलते हैं इस प्लगइन की तरफ, एक्सपोजर से ऑलरेडी हमारा पोस्टर ऑलमोस्ट बन चुका है लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये प्लगइन यहाँ पर खुल गई है। अब इसमें ना बेतहाशा आपके पास ऑप्शंस हैं कलर स्कीम्स के, कलर स्कीम्स के ऑप्शंस हैं आपके पास, टेक्सचर्स के ऑप्शंस हैं। मैं ज़्यादातर ये सिनेमा वाला जो इसमें पैनल है वो सेलेक्ट करता हूँ। सिनेमा के अंदर अगर आप आएंगे तो आपको बहुत सारे इसमें ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइटनिंग चेंज हो सकती है, लेकिन मैंने वो जो मेरी सियान और पिंक जो लाइट आ रही है मैंने वो चेंज नहीं करनी है। तो उसको मेंटेन करते हुए मेरे, मुझे जो ऑप्शन अच्छा लगेगा ना मैं वही करूंगा।
आप इसको एक्सप्लोर करें अच्छी तरीके से, इस प्लगइन को इंस्टॉल करें, एक्सप्लोर करें। ये भी अच्छी लग रही है मुझे, अप्लाई करते हैं उसको। ठीक है, उसने थोड़ा सा और उन्हीं कलर्स को इन्हेंस कर दिया, तो मैंने अपना जो स्टाइल है उसको रिटेन किया, यानी कि मैंने अपने स्टाइल को चेंज नहीं किया। ठीक है जी, ये हो गया एक काम। अब मेरे पास जो पोस्टर बना हुआ है उसमें मैंने टेक्स्ट लिख के रखा हुआ था, ये मैं टेक्स्ट लाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ टेक्स्ट भी आपने कैसे बनाना है। ठीक है, इसको मैं लाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कंट्रोल ए सेंटर, और इस सोशल मीडिया की जो ग्रिड है छोटी सी, इसको भी ला के मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अच्छा जी, ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा था, सबसे पहले तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो मेरे पास फॉन्ट है ना, उस फॉन्ट का नाम है बिल्ट टिटलिंग। ठीक है, इस फॉन्ट ये लिखा हुआ है सिंपल फॉन्ट लेके मैंने बिफोर इट एंड्स लिखा हुआ है। यहाँ पर आता हूँ मैं और रिपेंट लिख देता हूँ। रिपेंट लिख के मैं इसको इनलार्ज करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल ए, और मैं यहाँ पे आके इसको बोल्ड, यहाँ पे ऑप्शन है फॉन्ट आप इंस्टॉल कर लेंगे वहीं से मिलेगा। ये फॉन्ट आपको उसी वेबसाइट पे अवेलेबल है, फॉन्ट 100001 फॉन्ट्स, मैंने पिछली वीडियोस में वेबसाइट बताई है, उसी पे अवेलेबल है ये फॉन्ट। अच्छा, पीछे मैंने एक बॉक्स खींचा हुआ है सिंपल, आप यहाँ से लेके एक बॉक्स खींच सकते हैं। ये बॉक्स खींचने के बाद मैंने इस फॉन्ट को मैंने क्लिक किया। ठीक है, जैसे मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ क्लिक करके, वैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आया, इसके मास्क पे क्लिक किया और ऑल्टर बैक स्पेस दबा दिया। अब पीछे से मैंने इस फॉन्ट को बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं ए से इसके पॉइंट्स पकड़ लूँगा और इसको ऊपर से, ज़ाहिर है ज़्यादा स्पेस आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर लूँगा। अब वो क्रॉप्ड इफेक्ट आ गया। इस सेकेंड चीज़ जो मैंने इसमें करी हुई है, सेकेंड चीज जो मैंने इसमें करी है, वो टेक्सचर ओवरले किया हुआ है। ये मैं आपको टेक्सचर भी, अगर मेरे पास फाइल में पड़ा हुआ तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टेक्सचर है। ठीक है, ये आप किसी भी वेक्टर की वेबसाइट से टेक्सचर डाउनलोड कर लें, फ्री पिक पे भी होगा, वेक्सल्स पे भी होगा। ये टेक्सचर डाउनलोड करें, इसको उसके ऊपर रखें, मास्क आपके पास लगा हुआ है। ठीक है, इसको उसके ऊपर आपने रखा और ये चाइनीज में रिपेंट लिखा हुआ है, चाइनीज लैंग्वेज में, गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके आप यहाँ पे ला सकते हैं। इसको पूरे को आपने ग्रुप किया, इसकी आपने सिलेक्शन ली, इसको बंद किया, मास्क पे क्लिक किया, ऑल्टर बैक स्पेस दबाया और आपके पास ये ग्रंज वाला स्टाइल लग गया। ठीक है, सिंपल। और इसके अंदर कोई ऐसी, अच्छा एक ग्रंज थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है नीचे, तो हम इसको मिटा देंगे क्योंकि वो क्लियरली थोड़ा सा नज़र भी है। ठीक है, दैट इज़ इट, आपका पोस्टर तैयार है और आप इसको अपलोड करें। इस तरह से आप बहुत सारी अपनी भी इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट से भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। आई नो कि ट्यूटोरियल बताने में बहुत डिटेल्ड है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मैंने शायद इसमें ना बताई हूँ आपको, लिटिल डिटेल्स जो मैं मतलब मैं बेदहानी में मैंने कर दी होंगी, लेकिन आपको नहीं मैंने उसको बयान किया होगा कि यार ये हुआ कैसे। मकसद क्या है ये डिटेल्ड पोस्टर बनाने का, वो ये है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में ना पढ़ें कि यार ये पेन टूल कैसे काम करता है, उसके लिए आप अलग ट्यूटोरियल दिख रहे हैं, ये शेप का टूल कैसे काम करता है, ये कलर कैसे पीछे जाता है, ये कैसे होता है। आप डायरेक्ट एडवांस काम करना स्टार्ट करें। अगर आप छोटे छोटे टूल सीखना जो है ना वो शुरू कर देंगे ना, तो ऐसे आप फ्रीलांसिंग की तरफ या ग्राफिक डिज़ाइन की तरफ ना पता नहीं कितने सालों में जाके आएंगे। आज की दुनिया बहुत ज़्यादा तेज़ है। आपको अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स फॉलो कर रहे हैं, मेरे जैसे किसी भी और टीचर के फॉलो कर रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट 6 से 8 महीने के अंदर, मे भी ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 महीने के अंदर, किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। चले एक्सपर्ट नहीं भी होते तो आपको टेक्निकल डिटेल्स पता चल जानी चाहिए कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। पोस्टर डिज़ाइन मिसाल के तौर पर अगर मैंने आपको बता दिया, तो आप इसकी 6-8 बार इतनी प्रैक्टिस करें कि 9वीं 10वीं बार अगर आपको कोई पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए दे, आपको कोई दोस्त बोले, कोई क्लाइंट बोले कि यार ये मेरी इमेज और इसका पोस्टर बना दो, तो आप इजीली बना दें उसको, बगैर किसी से पूछे, बगैर कोई ट्यूटोरियल देके आप बना दें। ये मकसद है इस वीडियो का,
बजाय छोटी छोटी डिटेल्स को मैं अलग से उसकी वीडियो बना के आपको बताऊं कि यार पेन टूल ऐसे चलता है ऐसे चलता है, मैंने डायरेक्ट एक एडवांस चीज़ आपको सिखाई है और इसमें तमाम टूल्स कंबाइंड होकर किस तरह से इस्तेमाल हो रही है मैंने आपको सिखाया है। इसमें अगर आप इस प्लगइन का इस्तेमाल जो कि मैंने आपको एंड में प्लगइन बताई है, अगर आप इस प्लगइन का इस्तेमाल नहीं भी करते तो भी आपके पास इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स फोटोशॉप के अंदर ही इतनी चीज़ें मौजूद हैं कि उससे आपको अनबिलीवेबल रिजल्ट्स जो है वो अचीव हो जाएंगे अगर आप कोशिश करेंगे तो इस तरह से आप इंटरनेट से भी, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं अनस्प्लाइस्ड इमेजेस, आप अपनी भी फोटोग्राफी करके यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ करें इमेजेस, पोस्टर्स बनाएं, मुझसे शेयर करें और फिर हम डिस्कस करेंगे कि वो अच्छे बने कि बुरे बने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।